स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल पावर स्क्वायर रूट ऑफ 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 14 है। इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को क्या मैं 7 पावर 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ? और इसको मैं एज इट इज ही रखता हूँ 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 49 है, वो किसी का तो स्क्वायर है, 7 पावर 2। अभी दोनों तरफ ध्यान से देखो तो बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से अगर बेस सेम हो तो उनका पावर भी सेम होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 है तो इसका पावर भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 7 को अभी इग्नोर करो, बेस को भूल जाओ, तो 1/2 स्क्वायर रूट 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। पावर को कंपेयर किया मैंने, 7 बेस था, राइट? अभी 2 डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू 4। अभी स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16, राइट? अभी प्लस 24 को उस तरफ भेजो तो माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 24। वॉट इज 16 माइनस 24? प्लस 8 माइनस 8 माइनस 8। अभी माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 8। अभी स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो क्या मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल्स टू 8 पावर 2 x इज इक्वल्स टू हो गया खत्म। सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे बोल रहे थे वो नहीं रहा था।